बीआर चोपड़ा की महाभारत टीवी की दुनिया की सबसे सुपरहिट पौराणिक ड्रामा है। 36 साल से शो के चाहने वाले से यूट्यूब पर खोज खोज कर देखते हैं, इसके साथ ही इससे जुड़े सभी सितारों को याद करते हैं। गजब बात ये रही कि सभी सितारों को याद करते करते साल 1987 से लेकर 1990 तक टीवी की दुनिया पर राज करने वाली शो में जिन भी एक्ट्रेस और एक्टर्स ने काम किया वह रातों रात स्टार बन गए थे। आज टीवी की दुनिया में उन सितारों की एक अलग पहचान है। वे सितारे आज भी लोगों के बीच अपने असली नाम की बजाय महाभारत के पात्रों के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि इस शो में पांडव की मां कुंती का रोल प्ले करने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस नजनीन के साथ ऐसा नहीं है। नजनीन इस शो के बाद लाइम लाइट में आई थी, लेकिन धीरे धीरे वह ऐसे गायब हुई जैसे समतल इलाकों में अचानक से आया बाढ़ का पानी। धीरे धीरे सूख जाता है और फिर वो इलाका अपनी मौलिक स्थिति में पहुँच जाता है। आपको बता दें कि महाभारत में कुंती का रोल प्ले करने वाली नजनीन का जन्म 23 फरवरी 1958 में कोलकाता में हुआ था। नजनीन बचपन से ही बेहद ही खूबसूरत थी। उनके पिता प्रिंटिंग प्रेस के मालिक थे। कहा जाता है कि नजनीन एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन उनकी मां को लगा कि बेटी का फ्लाइट में काम करना सुरक्षित नहीं है। ऐसे में नजनीन ने फिल्मों में अपना करियर बनाना मुनासिब समझा। नजनीन 70-80 के दशक में बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत एक्ट्रेस में गिनी जाती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डायरेक्टर सत्यसेन बोस को नजनीन बॉलीवुड जया बच्चन की तरह दिखती थी। यही वजह थी उन्होंने कई सारे फिल्मों में जया बच्चन की बहन बनकर खूब वाहवाही लूटी थी। हालांकि नजनीन को कभी साइड रोल प्ले करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इस बात से वे काफ़ी दुखी रहती थी और उन्होंने ऑफर ठुकराना भी स्वीकार कर दिया। नजनीन की पहली फिल्म सारेगामा पाप थी जो साल 1972 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने पंडित और पठान, हैवान, कोरा कागज, फौजी, निर्दोष, दो उस्ताद, खुदा कसम, वक्त की दीवार, बिना फेरे, हम तेरे, ओ बेवफा, आदमखोर जैसी फिल्मों में काम किया। इन सभी फिल्मों में उन्होंने साइड रोल प्ले किया था। उनकी पहली लीड रोल वाली फिल्म चलते चलते थी जो साल 1976 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्हें काफ़ी बोल्ड अवतार में देखा गया था। उस जमाने में उन्होंने बिकनी पहनकर बॉलीवुड में तहलका मचा दी थी। इस फिल्म में वह विशाल आनंद के अपोजिट देखी गई थी। चलते चलते फिल्म के बाद नजनीन को कई बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया, जिसका सीधा असर उनकी इमेज पर पड़ा। बाद में वह उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई, वह धीरे धीरे गुमनाम हो गई। बता दें कि नजनीन बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस नीतू सिंह की पक्की सहेली थी। दोनों की स्कूलिंग भी साथ हुई थी। अब 38 सालों से 63 साल की नजनीन गुमनामी की जिंदगी बसर कर रही हैं। वह कहाँ हैं और क्या कर रही हैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि वे लंबे समय से ना ही किसी फिल्म और ना ही किसी टीवी शो में नजर आईं।